शनिवार को जिला मुख्यालय सभागार में जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने श्री रामलीला महोत्सव और जनकपुरी महोत्सव के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों और श्री रामलीला कमेटी और जनकपुरी आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को जनकपुरी क्षेत्र में टाइम लिमिट में कार्य करने के निर्देश दिए। शनिवार को जिला मुख्यालय सभागार में जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने श्री रामलीला महोत्सव और जनकपुरी महोत्सव के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों और श्री रामलीला कमेटी और जनकपुरी आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को जनकपुरी क्षेत्र में टाइम लिमिट में कार्य करने के निर्देश दिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन आगरा शहर में होता है, राम बारात और जनकपुरी का, और बहुत ही इसका लंबा इतिहास है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा से जुड़ा हुआ आयोजन है। काफ़ी इसको भव्य ढंग से यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। प्रशासन के आज इस संबंध में जो आयोजन समिति है उसके साथ बैठक हुई है और इसमें जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ठीक है, इन सभी के विषय में विस्तृत चर्चा हुई और एक इसकी रणनीति बनाई गई है कि कैसे सभी चीज़ों को ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा और जो इसमें आने वाले लोग हैं, जो इसमें प्रतिभाग करने वाले लोग हैं, जो दर्शनार्थी आएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और आयोजन जो है बहुत भव्य हो, इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई और हम कोशिश करेंगे कि फॉलो करते हुए सारे काम को टाइमली पूरा करवाएं। बैठक में मौजूद श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि आज जिलाधिकारी भानु गोस्वामी के साथ श्री रामलीला कमेटी और जनकपुरी महोत्सव समिति की काफी सकारात्मक माहौल में मीटिंग हुई है। जिलाधिकारी ने दोनों आयोजन समितियों को श्री राम बारात, रामलीला महोत्सव और जनकपुरी महोत्सव में विकास कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों की मीटिंग हुई है, श्री रामलीला कमेटी और श्री जनकपुरी महोत्सव समिति के लोगों के साथ में, और जो शोभा यात्रा मार्ग रामलीला होना साथ में जनकपुरी महोत्सव, उन सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन और नए हमारे जिलाधिकारी जो आगरा में आए हैं, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, टोरंट और बाकी अन्य विभाग, जल निगम, जल संस्थान, सारे विभाग मिलकर जनकपुरी और भगवान राम की शोभा यात्रा के लिए और रामलीला मैदान की संपूर्ण व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त कर देंगे, जिससे कि लाखों की जनता जो आएगी उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम लोगों का भी उद्देश्य यही है, प्रशासन का भी उद्देश्य यही। देखिए, आज डीएम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने बहुत ही बृहद रूप से एक मीटिंग की और सभी अधिकारियों को यहाँ बुला करके सबों को निर्देशित किया कि जनकपुरी और रामलीला में जो भी काम होने हैं जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र करें। उन्होंने एक आश्वासन और दिया कि हम लोग भी वहाँ विजिट करेंगे। आज सभी विभागों के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और हम सब लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। आज डीएम साहब काफ़ी पॉजिटिव लगे और जो उनका मोड था, साथ के साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। अब ये देखता है कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो उनको उसके ऑर्डर को किस रूप में लेते हैं। अभी जो काम है बहुत धीमी गति से, कछुआ चाल से हो रहा है। अगर इसी गति से रहा तो हमें उम्मीद कम है कि जनकपुरी का जो आयोजन की अपेक्षा है वो ना हो पाए, पर जो डीएम साहब ने आज गति दिखाई है उसको लगता है कि अधिकारी उनसे प्रेरणा लेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में मौजूद जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि जिलाधिकारी को जनकपुरी में विभिन्न सरकारी विभागों के विकास कार्यों को एक ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित किया है। आज नवागत डीएम महोदय ने मीटिंग ली और हमारी सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और काफ़ी उत्साहित और काफ़ी उस ढंग से उन्होंने वार्ता की और अधिकारियों को निर्देश दिए और टाइम बाउंड सारा कार्यक्रम तय किया और जो भी कार्य हो वो गुणवत्ता से पूर्ण हो और समय से पूर्व संपन्न हो, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए। तो हम लोग सब आशान्वित हैं कि जैसा गत वर्षों में प्रशासन से हमें सहयोग मिलता रहा है, उसी तरह से इस वर्ष भी सहयोग मिलेगा और राम बारात और जनकपुरी और दशहरे के सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बैठक बुलाई गई है और जितने अच्छे तरीके से आज उन्होंने समस्याओं का निदान किया है, पहली बार बहुत समय से मैं प्रशासन से जुड़ा हूँ लेकिन मैंने शायद पहली या दूसरी बार, समझ लो एक आध बार और देखा होगा, जिस तरीके से
बड़े सलीके से उन्होंने जो समस्याओं को सुना और तुरंत निदान किया, ये प्रशासनिक रूप से मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। कोई टाइमलाइन बिल्कुल फिक्स बोले इससे ज़्यादा नहीं, एक मतलब आप समझ लीजिए 20 दिन पहले कोई आज तक किसी ने नहीं कहा पता रहा जनकपुरी बन रही है, सड़क डल रही है, सीवर चल रहा है, ये चला नहीं, बोले नहीं, जो काम नहीं हो सकते हैं वो बाद में होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, हमारे लिए बड़ी बात है। मेरा सिर्फ यह जनकपुरी जो हमारे संजय प्लेस के बन रही है, इसमें हमारे द्वारा जो भी डेवलपमेंट के कार्य दिए गए हैं डिपार्टमेंट को, बड़े अच्छे ढंग से उनके द्वारा समय समय पे मीटिंग हुई और उन्होंने सारे कार्य को पूर्ण रूप से जो हमने लिख करके दिए हैं सभी को मान लिया है। उसमें से कुछ के टेंडर हो गए हैं और कुछ के टेंडर रह गए, वो एक दो दिन के अंतर्गत हो जाएंगे। अब इसमें कार्य संजय प्लेस में पूरा होना है, जनकपुरी से के अंदर जो पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हैं उन कार्यों को लिया जाएगा और बाकी बचे हुए कार्यों को जनकपुरी अगर 30 जैसे 14 तारीख को 14 अक्टूबर के बाद भी कार्य सुचारू रूप से बने रहेंगे तो ये एक जो डेवलपमेंट का जो कार्य होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी जनकपुर में जो हुआ है ये एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट का कार्य संजय प्लेस में देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर को मनकामेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बारात को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम टोरेंट पावर अधिकारियों को राम बारात मार्ग से अतिक्रमण हटाने, मार्ग की मरम्मत और मार्ग के ऊपर से तारों के मकड़जाल को हटाने के निर्देश दिए। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।